ख्याल आप दे चुके हैं, जिधर भी मैं गई हूँ उधर बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में उन्होंने अपना फैसला कर चुके हैं कि यहाँ पार्लिमानी जमहूरियत कायम होगी। अस्सलामु अलैकुम, आज मैं आप लोगों को फातिमा जिना के मुतालिक कुछ मालूमात से आगाह करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको फातिमा जिना पर बनाई जाने वाली ये मालूमती वीडियो पसंद आएगी। हस्ते मामूल मेरी आप सभी व्यूवर्स से गुजारिश है, अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारा चैनल माई गुलाब सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकॉन पर प्रेस कर लें ताकि हमारी तरफ से पेश की जाने वाली हर वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फातिमा जिना 30 जुलाई 1993 को कराची में पैदा हुई और 74 साल की उम्र में 9 जुलाई 1967 को कराची में वफात पाई और निजारे कायद के अहाता में मदफन है। आपका ताल्लुक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था। आपकी वालिदा का नाम मतीबाई जिनाबाई था और आप कायद अजम मोहम्मद अली जिना की बहन थी। आपने अपनी तालीम कलकत्ता यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की। अपनी ज़िंदगी में आपकी हैसियत सियासतदान और मुसनफा की थी। फातिमा जिना मादर मिलत यानी कौम की माँ। हमारे माहरीन तारीख़ व सियासत ने मादर मिलत को कायदे आज़म के घर की देखभाल करने वाली बहन के हवाले से बहुत बुलंद मुकाम दिया है, लेकिन इन्होंने क्याम पाकिस्तान और खसूसन 1965 ईस्वी के बाद के सियासी नक्शे पर जो हैरत अंगेज असरात छोड़े हैं इनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। ये एक मायने खेज अमर है कि कायदे आज़म की ज़िंदगी में मादर मिलत इनके हमरा मुअस्सर तौर पर 19 साल रहे यानी 1929 से 1948 ईस्वी तक, और वफात कायद के बाद भी वो इतना ही अरसा हयात रही यानी 1946 ईस्वी से 1967 ईस्वी तक। लेकिन इस दूसरे दौर में इनकी अपनी शख्सियत कुछ इस तरह उभरी और इनके अफकार व किरदार कुछ इस तरह निखर कर सामने आए कि इन्हें बजा तौर पर कायदे आज़म की जमहूरी बेबाक और शिफाफ सियासी इकदार को असरेनो जिंदा करने का क्रेडिट दिया जा सकता है जिन्हें हुक्मरान भूल चुके थे। इस सिलसिले में मादर मिलत ने जिन आरा का अजहार किया इनसे असरी सियासत और मामलात पर इनकी जहनी गिरफ्त नाकाबिले यकीन हद तक मुकम्मल और मजबूत नज़र आती है। 1965 के सदारती इंतखाब के मौके पर अयूब खान की नुक्ताचीनी के जवाब में मादर मिलत ने खुद कहा था कि अयूब फौजी मामलात का माहिर तो हो सकता है लेकिन सियासी फहमो फरासत मैंने कायद आज़म से बराह रास्त हासिल की है और ये एक ऐसा शुबा है जिसमें अमर मतलिक नाबल्द है। आपके नाम से रावलपिंडी 1998 में खवातीन के लिए एक यूनिवर्सिटी का क्याम भी अमल में लाया गया। ऐसी ही मालूमाती वीडियोस मैं आप लोगों के लिए दिलचस्प मालूमात के इस चैनल पर लाती रहूँगी। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अगर वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से आगाह रखा करें। मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी होस्ट को दें इजाज़त। अल्लाह ने निगहबान।